ट्रेनों में मुसाफरों सामान की चोरी करती गैंग साकृत ने भीलड़ी रेलवे पुलिस पालनपुर झड़पी लीधो हतो। अगाउ आ गैंग नो एक आरोपी झड़पी लीधेल छे अने मुख्य आरोपी फरार छे। भीलड़ी रेलवे पुलिस स्टेशन द्वारा तारीख 10/2021 ना रोज फरियादी रौनकभाई जैन ना बे बहनों तथा बीजा संबंधीओ राजस्थान जवा माटे ट्रेन नंबर 04818 दादर थी भगतनी कोठी ट्रेन ना कोच नंबर S/2 सीट नंबर 43, 45, 46 उपर मुसाफरी करता होय ने तेओनी 6 बेगो सीट नीचे राखी पाटण रेलवे स्टेशन बाद आश्रे 12:30 वागे सूई जता तेमना सामान माथी एक ट्रॉली बेग जेमा बे डेलियर कंपनी नी घड़ियाळ तेमज मेकअप नो सामान लग्न नी साड़ियों अने ₹10,000 रोकड़ मळी ने किंमत ₹57,000 नी मत्तानी चोरी थयेलनी फरियाद बाड़मेर GRP ने आपता जे गुनो राधनपुर खाते दाखल थवा आपता जेनी तपास दरमियान आ चोरी में ईसमो रामनिवास धर्माराम मेघवाल उम्र वर्ष 20 रहे काकेलाव तालुको लूणी जिल्लो जोधपुर राजस्थान जेओने राजस्थान ना राणीवाड़ा थी झड़पायेला अने जेने जोधपुर सेंट्रल जेल माथी ट्रांसफर वॉरंट ना आधारे तारीख 24/3/2021 ना रोज अटक करेल छे। तेओ हाल जामीन पर छूटेला छे अने हाल में तपास दरमियान तेनी साथेना गैंगना मुख्य आरोपी अमित उर्फे हंसराज चौधरी रहे सर तालुको लूणी जिल्लो जोधपुर वाड़ा हाल फरार छे तथा सुनील गंगाराम मेघवाल रहे भेंटड़ा तालुको लूणी जिल्लो जोधपुर वाड़ा जेओने रेलवे पोलिस ने हकीकत मड़ी हती अने PI चौधरी अने इंचार्ज PSI BK परमार नी सूचना थी आरोपी पालनपुर पोताना मकान मा सामान भरवा आवे छे तेनी बातमी ना आधारे वॉच राखीने भावेशभाई पटेल अने PD चौधरीए आरोपी ने दबोची लईने कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी छे। उपरोक्त पकड़ायेला आरोपी ने सूत्र पासेथी मळती माहिती मळी छे के आवतीकाले DSA कोर्ट मा रजू करवानी तजवीज हाथ धरी छे। આ ગુનાની તપાસ હાલમાં ઇન્ચાર્જ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર BK પરમાર રાધનપુર રેલવે પોલીસ સ્ટેશન નાઉ ચલાવી રહ્યા છે। આ ગેંગના સાગરીતો પાલનપુરમાં હનુમાન ટેકરી ખાતે ભાડાના મકાન રાખીને રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં ટ્રેનોમાં પેસેન્જરોનો વિશ્વાસ કેળવીને ચોરીનો અંજામ આપતા હતા જેમાં 2019થી ગેંગ બનાવીને ચોરીઓને અંજામ આપતા હતા જે મુખ્ય આરોપી હંસરાજ ચૌધરીને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને આ ગેંગના આરોપીઓના વધુ નામ ખુલવાની શક્યતા છે। પાટણ બનાસકાંઠા મહેસાણા અને અમદાવાદ અને રાજસ્થાન સહિત મોટી ચોરીઓ કરી હોવાની કબૂલાત કરી હોવાની સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળેલ છે। સંજય સિંહ રાઠોડનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ બનાસકાંઠા।